प्री क्लास एक वर्ड मेरे पास सिंपल यहाँ पे क्या है एस्टैब्लिशमेंट। अच्छा एस्टैब्लिशमेंट का मतलब क्या होता है? एस्टैब्लिशमेंट हाँ शुरुआत। एस्टैब्लिश मतलब किसी भी चीज को यहाँ पे क्रिएट कर देना। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई, आरबीआई एक्ट 1934। प्री क्लास मेरे पास देखो एक वर्ड यहाँ पे है आरबीआई इज अ। देखो बहुत सी जगह पे ऐसा एक सेंटेंस बोलता है आरबीआई इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी के एक साल के बाद, एक साल के यानी के सर इन द 1935, इन द 1935 यानी के सर ये है आपका सबसे मेन ईयर सर, ये है आपका सबसे मेन ईयर इन द 1935 यानी के सर यहां पे सर अब बताएगा कि भाई नॉर्मली बेसिकली एज अ लीगली बेसिस प्री क्लास आरबीआई स्टार्टेड, प्री क्लास आरबीआई स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन, इट्स ऑपरेशन के भाई यहां से नॉर्मली आरबीआई का नॉर्मली सेटअप हो गया सर, और सर यहां से आरबीआई स्टार्ट हो गई, शुरू हो गई। अब देखो प्री क्लास इधर 1920 की बात करो, 1926 की बात करो, 34 एंड 35 यानी तकरीबन सर आपके पास इतना यहां पे टाइम चले गया एक सर यहां पे सेंट्रल बैंक को स्टार्ट करने में। सर बोले सर क्या मजाक कर रहे हैं आप यहां पे, भाई इतना टाइम कैसे चले गया? देखो सबसे पहले मुझे बताओ भाई यहाँ पे गवर्नमेंट ने फील यहाँ पे कब किया ऐसी एक बैंक होना चाहिए 1920 में फील किया, उसके बाद सर रिकमेंडेशन यहाँ पे कब आया 1926 में आया। अच्छा उसके बाद सर यहाँ पे एक्ट कब बना ऐसा ही है, उसके बाद सर यहाँ पे ऑपरेशन कब हुआ यहाँ पे 1935 में हुआ ऐसा ही है। अब देखो प्री क्लास मेरे पास यहाँ पे दो पॉइंट आ रहे हैं सर। सबसे पहले मेरे पास एक वर्ड यहाँ पे है कि सर आरबीआई स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन इन 1935, और सर सेकंड यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोले सर आरबीआई एक्ट 1934। मेरे पास यहाँ पे दो चीजें है, अब भाई दो चीजों में से आप लोग को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। भाई पहले एक्ट बनता है कि सर ऑपरेशन होता है सर, पहले एक्ट बनेगा बाद में सर ऑपरेशन होगा। अच्छा सर एक्ट यहाँ बना कब था 1934 में सर, भाई 1934 में आपके पास आरबीआई का एक्ट बना, उसके बाद सर यहाँ पे क्या हुआ 1935 में सर यहाँ पे इसका ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। अब सर आगे यहाँ पे सवाल सर यहाँ पे ये आ रहा है, अच्छा बताओ प्रिलास भाई आपने यहाँ पे आरबीआई को एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी क्यों बोले सर? भाई मेरे पास एक वर्ड यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, अरे भाई आपने बोले क्यों, क्यों बोले भाई? मेरे पास देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक मेरे पास यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और एक मेरे पास यहाँ स्टैट्यूटरी बॉडी है सर। अब भाई आपके पास एक वर्ड यहाँ पे ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल का था, अब भाई उसको छोड़ के सर वो वर्ड को यहाँ पे छोड़ के आपने ये वर्ड का इस्तेमाल करे, बोले सर यहाँ पे कुछ तो बात है सर, आखिर भाई आप लोगों ने यहाँ पे ये वर्ड का इस्तेमाल करे इसके पीछे लॉजिक है सर, समझे मेरी बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं प्री क्लास? देखो मेरे पास दो वर्ड्स है, फर्स्ट मेरे पास यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और सेकंड मेरे पास स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा प्री क्लास एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी कि सर इसके पीछे यहाँ कोई ना कोई तो रीजन होगा ना दया, इसके पीछे क्या रीजन है यहाँ पे, मतलब कोई ना कोई खास पॉइंट होगा, समझ रहे मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूं मैं? समझ रहे हो? अरे यही तो खास बात है। अब देखो प्री क्लास बात को यहाँ पे डिफरेंस को समझो, प्री क्लास बात को यहाँ पे समझो। देखो सर अगर मैं पार्लियामेंट की बात करूंगा मैं कि भाई पार्लियामेंट में आप लोगों ने यहाँ पे कोई बात को रखे, मान लो प्री क्लास देखो मेरे पास जो क्लास है ये आपके पास है इंडिया का मतलब पार्लियामेंट है। अब भाई मैंने कोई प्रपोजल या कोई बात आप लोग के सामने रखा कि भाई हमारे हिंदुस्तान में सर ऐसे कोई ना कोई चीज होनी चाहिए, तो भाई मैंने आप सबको यहाँ बताया भाई, आप लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए, आप लोगों ने यहाँ पे समझे, किसी ने सर फेवर में बोला, किसी ने सर अगेंस्ट में बोला, ऐसी बहुत सारी चीजें आप लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करे। उसके बाद सर क्या हुआ कि भाई पार्लियामेंट ने नॉर्मली मेरे प्रपोजल को यहाँ पे एक्सेप्ट किया और सर यहाँ पे सिंपल क्या बना दिया, एक्ट बना दिया। तो कहने का मतलब प्री क्लास ये हुआ कि सर अगर कोई एक्ट, क्या बोला मैंने यहाँ पे, अगर कोई एक्ट पास होता है आपके पार्लियामेंट से उसे सिंपल हम यहाँ पे क्या बोलेंगे एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी के सर, बिकॉज के सर आरबीआई द एक्ट ऑफ आरबीआई वॉज पास इन द पार्लियामेंट सर, ये पार्लियामेंट में पास हुआ था तब सिंपल हमने
इसको यहाँ पे क्या बोले, ऐसा स्टैचूटरी बॉडी। मेरे पास सर एक वर्ड यहाँ पे क्या बोलते हैं, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन। भाई हमारे हिंदुस्तान के संविधान की बात करो सर, जहां पे सर रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, यानी कि सर अगर संविधान हमारा ऐसा बोलता है कि भाई हमारे पास कोई एक्ट है, अकॉर्डिंग टू नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं मैं, दे आर कॉल्ड ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बिकॉज सर वो आपके संविधान के अकॉर्डिंग था और सर ये आपके पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग है सर। यानी कि सर यहां पे बहस हुई होगी सर, यहां पे सर आर्गुमेंट हुई होगी कि भाई आपने सर नॉर्मली सेंट्रल बैंक को सर कैसा बना दिया सर, यहां पे सर बैंक में मतलब कौन कौन से काम होना चाहिए, ये सब यहां आर्गुमेंट आपके पार्लियामेंट में हुआ और सर ये पार्लियामेंट में सर एक्ट पास हुआ, दैट्स व्हाई आरबीआई इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी सर। समझे मेरी बात को? मेरे पास ना दो चीजें हैं, फर्स्ट मेरे पास क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और सेकंड मेरे पास क्या है स्टैट्यूटरी बॉडी। अच्छा बताओ सर, अगर मैं आप लोगों से किसी भी टाइम अगर मैं आप लोगों से मैं सवाल करूं कि भाई आरबीआई को यहाँ पे स्टैट्यूटरी बॉडी क्यों बोलते, क्या जवाब दोगे? बोले सर ये तो पार्लियामेंट में पास हुआ, ओ हम इसके अगेंस्ट में है। अरे नहीं मैं इसके फेवर में हूँ सर, अरे मैं इसके अगेंस्ट में, अरे नहीं मैं इसके फेवर में, ऐसी बातें क्या होती है? पार्लियामेंट में होती है भाई, बहस वहां होती कि नहीं होती है? बहस वहां पे होती है, यानी कि सर ये आपका वहां बना ना, मेरे पास सिंपल वहां बन गया। अच्छा प्रिया से को अभी मैं खास बात करने वाला हूं, मैं जो कब से मतलब के काफी इंपॉर्टेंट है आपके कॉन्सेप्ट के रिलेटेड। देखो सर अभी यहाँ प्रिया क्या हुआ, 1920 से आप मतलब 1935 तक आ गए, समझे मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा बताओ प्रिलास, अभी सर हम यहाँ पे नॉर्मली किसमें, 1935 में सर, यानी सर हमारा देश अभी यहाँ पे आजाद हुआ है क्या सर? अभी भी आजाद नहीं हुआ सर, मतलब के सर अंग्रेजा हमारे ऊपर है सर, सरकार हमारे पे चला रहे सर, समझ में आ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? यानी कि सर अभी हम उनके अंडर कंट्रोल में है, यानी सर अपनी मर्जी से हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। अब सर यहाँ पे करना क्या है, मेरे पास सिंपल एक वर्ड प्री क्लास है, सेंट्रल ऑफिस। क्या बोला मैंने प्री क्लास? सेंट्रल ऑफिस। देखो हमारे पास ऐसे बहुत सारे यहाँ पे नाम आपको बताता हूं मैं, जैसे देखो मेरे पास पहले लोग बोलते थे बॉम्बे, अब मेरे पास मुंबई बोलते हैं सर ना, बॉम्बे मुंबई, पहले मेरे पास बॉम्बे था अब मुंबई हो गया सर। एक और मेरे पास यहाँ पे कलकत्ता था, अब कोलकाता मेरे पास हो गया। भाई ऐसे मेरे पास कुछ नाम यहाँ पे चेंज हो गए। अरे सर भिवंडी भिमड़ी, समझे मेरी बात में क्या बोल रहा हूँ मैं? तो ऐसे बहुत सारे मतलब नाम यहाँ पे चेंज होते हैं। अब से मेरे पास देखो एक वर्ड प्री क्लास यहाँ पे है, सेंट्रल ऑफिस। प्री क्लास सेंट्रल बैंक का सर मेरे पास जो सेंट्रल ऑफिस की बात करो, ये सब यहाँ सीख के रखो प्री क्लास। सेंट्रल ऑफिस से पहले मेरे पास नॉर्मली कहां पे था प्रिलास? कलकत्ता में था, बट सर ये बाद में नॉर्मली कहां पे शिफ्ट हो गया आपके साथ? मुंबई में शिफ्ट हो गया। हाँ मुंबई में सर शिफ्ट हुआ सर। कब यहां पे शिफ्ट हुआ? इन 1937 ना 1937, यानी कि सर दो साल के बाद। कब यहां पर क्लास? दो साल के बाद। देखो सर मैं यहां पे ईयर बाय ईयर बढ़ रहा हूं मैं। देखो सर एक बैग या कोई भी काम बनता नहीं सर, नॉर्मली जो देश नॉर्मली चलाने की बात करो सर, देश ऐसे एक दिन में चलता नहीं है, उसको यहाँ पे सालों लग जाते हैं। अब भाई मैं यहाँ पे देश की बैंक को बना रहा हूं मैं, उसकी मैं दास्तान आप लोग को यहाँ सुना रहा हूं। भाई एक दो साल में तो बनने वाला है नहीं। अब भाई दो साल में यहाँ पे क्या हुआ कि भाई यहाँ पे सेंट्रल ऑफिस नॉर्मली पहले कहां पे था? कोलकाता में था, उसके बाद कहां पे शिफ्ट हो गया सर? मुंबई में शिफ्ट हो गया। यानी कि सर अभी आप नॉर्मली इन 1937 में हो सर। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों से यहां पूछने जा रहा हूं मैं, यानी कि सर अगर आप हिंदुस्तान से प्यार करते हो, अगर आप इंडियंस हो, हिंदुस्तान से प्यार करते हो, तो सर आप सबको पूरी क्लास यहां मालूम होगा भाई हमारा देश यहां पे आजाद सर कब हुआ? 1947 15 अगस्त को, ऐसे ही है। यानी कि सर अंग्रेजा हमारे देश को सर छोड़ के चले गए सर, अंग्रेजा डाटा वापे कर दिए सर, हम तुम्हारे यहाँ दोबारा कभी टूर पे आए तो कभी वापस आने वाले नहीं है। यानी कि भाई हमारे पास एक वर्ड आता है इंडिपेंडेंस डे, कब सेलिब्रेट करते हैं हम? 15 अगस्त को। थैंक गॉड आप लोग को ये सब तो याद है, समझे मेरी बात को प्री क्लास सर, बात को यहाँ पे समझो। अब सर 1947 में सर क्या हुआ कि भाई मैं यहाँ पे सर इंडिपेंडेंट हूँ,
ओ मेरे पे कोई नहीं है सर, मैं देश को यहाँ पे चलाने वाला हूँ, अंग्रेजा सर यहाँ पे छोड़ के चले गए सर, और ये बैंक को यहाँ पे छोड़ के गए सर। अब सर बैंक को यहाँ पे कैसे मैनेज करना है, क्या करना है, सब इंडियंस के हाथ में सर, फ्रीडम फाइटर्स के हाथ में चले गया, मतलब यानी उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर के हाथ में चले गया जो इंडियंस को यहाँ पे संभाल रहे थे 1947 के बाद की बात, उससे पहले की बात नहीं, बिकॉज हमारा देश आजाद कब हुआ सर 1947 को आजाद हो गया था, उसके बाद की बात कर रहा हूं मैं। यानी कि सर इंडियंस बोले ओ भाई हमारे यहाँ पे कुछ और चीज यहाँ पे चेंजेस करना चाहिए, मतलब के सर 1 जनवरी, प्री क्लास मेरे पास देखो डेट यहाँ पे है 1 जनवरी 1949। देखो सर ये साल मेरे पास बैंक के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, 1 जनवरी 1949 को सर यहाँ पे क्या हुआ प्री क्लास, आरबीआई वॉज नेशनलाइज्ड, यानी के सर नेशनलाइज से सिंपल कर दिया गया नेशनलाइज्ड। सर क्या बोले समझ नहीं पा रहा हूं मैं, बट समझ जाओ क्या करने का प्री क्लास। सर ये सेंटेंस मेरे पास काफी इंपॉर्टेंट है प्री क्लास। देखो सर ये सेंटेंस में आपके पास मतलब पूरी जो स्टोरी का जो समरी है प्री क्लास ये सेंटेंस के ऊपर है। कौन से सेंटेंस के ऊपर, इन द 1 जनवरी 1949 आरबीआई वॉज नेशनलाइज, यानी के सर आज से आरबीआई हमारे पास देश की बैंक है सर, हमारे पास पूरे कंट्री की बैंक है। देखो सर मेरे पास यहाँ पे नेशनलाइज का मतलब क्या होता है इसको भी समझाऊंगा मैं, इसके ऊपर भी कॉन्सेप्ट है। देखो नॉर्मली हमेशा क्या होता है आपकी क्लास, तुमको बताऊं मैं कि भाई इकोनॉमिक्स में ऐसा बहुत सारे वर्ड्स है इसकी मीनिंग से बहुत ज्यादा निकलती है।